हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बीजेपी के बारे में पढ़ रहे थे और ये हमारा सेकंड वीडियो है बीजेपी के ऊपर, तो इस वीडियो के अंदर हम बीजेपी का एक नेबरशिप का बेसिक सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ हम करके देखने वाले हैं वो सारी चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा, बस आप लोगों ने फॉलो करते रहना है और जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये मैंने GNS3 ओपन कर लिया और जिन लोगों के पास GNS3 नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और मतलब सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी आप लोग कर सकते हो या ईव के ऊपर भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर एज फॉर CCNA पर्पज़ से वो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने एडवांस करनी है जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर नहीं हो सकती, तो आप GNS3 का यूज कर सकते हैं, ईव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं अब यहाँ पे डिवाइसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं 3 डिवाइसेज यहाँ पे ले लेता हूँ, तो कोई भी सीरीज का डिवाइस यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे 37-45 सीरीज का मैं यहाँ पे डिवाइस ले रहा हूँ। और मैं 3 राउटर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और मैं यहाँ पे 3 स्विचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और 2-2 PCs मैं इनके कनेक्ट कर लेता हूँ। टोपोलॉजी में मैं करने वाला क्या हूँ, एज पर नेबरशिप का यहाँ पे प्रैक्टिकल करूँगा BGP कॉन्फ़िगर करके। मैं यहाँ पे 2 PCs यहाँ पे ले लेता हूँ और 2 PCs यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे जैसे स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे बस आप लोगों ने फॉलो करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल करने से पहले आपको CCNA के पार्ट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो बेसिक क्वेरीज हैं नेटवर्किंग के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना या रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं बेसिक फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग क्या है। ये जो प्लेलिस्ट हम BGP के स्टार्ट कर रहे हैं ये डायनेमिक राउटिंग का पार्ट है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डायनेमिक राउटिंग क्या है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आप लोग वीडियो देखो तो अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो कुछ जैसे कोई भी चीज़ आप करने जाते हो तो उसका एक स्टेप होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है। मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ केबल के थ्रू, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है जो अभी मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ, केबल से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ या, तो ये सब लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो भी समझ जाएगा, बस मैंने यहाँ पे केबल कनेक्ट किया है और कुछ नहीं किया। ये एक वर्चुअल टूल है, ठीक है, तो दैट्स वाई ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे फिजिकली आप लोग देखने जाओगे तो फिजिकल जो डिवाइसेस होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, आप लोगों ने सर्च करके देख लेना, यदि नहीं पता आप लोगों को तो राउटर स्विचेस आप लोग सर्च करके देखो गूगल पे, तो आप लोगों को मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, कहीं ना तो कहीं आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। ये सारे के सारे नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं और इनके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना है। जैसा कि मैंने केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इनके इंटरफेसेस को मैं ऑन कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे इंटरफेसेस शो हो चुके हैं और किस इंटरफेस के ऊपर मैं क्या IP एड्रेस डालने वाला हूँ वो भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 10.1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 20.1, यहाँ पे 20.2। और BGP का यूज़ क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। BGP का जो मेनली यूज़ होता है 2 डिफरेंट AS को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि सेम AS के ऊपर वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे भी करता है, लेकिन जो मेनली इसका यूज़ हम करते हैं वो 2 डिफरेंट AS को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं बताई गई, ऐसा नहीं है, बस मैंने स्टार्ट किया है, ये सेकेंड वीडियो है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ओके। बस आप लोगों ने इस सीरीज को फॉलो करना है तो BGP के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो मैं उसको छोड़ूंगा, फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ ये रह गया है तो आप लोगों ने मुझे एक बार सजेस्ट कर देना है कमेंट में। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ 2 डिफरेंट AS के बीच में कनेक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ मैं विद यूजिंग BGP राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले राउटर के ऊपर AS नंबर 100 यूज़ करूँगा और आप लोगों को पता होना चाहिए कि AS क्या होता है, ठीक है। यदि नहीं पता तो सर्च करके देख लिया करो कि व्हाट इज़ AS, लेकिन मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ के अंदर बता रखा है, तो वीडियो का पार्ट ज़्यादा बड़ा ना बने तो इन चीज़ों को मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो, ओके। सारे डिवाइसेस को मैंने स्टार्ट कर लिया। मैं यहाँ पे GNS को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो हमारा मेन पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन का कि 2 डिफरेंट AS के बीच में कनेक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं विद यूजिंग BGP राउटिंग प्रोटोकॉल, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं सभी डिवाइसेस को ऑन कर लेता हूँ, तो सबका CLI मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिक्योर CRT का यूज़ कर रखा है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो सिक्योर CRT,
और कैसे ऐड करते हैं GNS के अंदर, तो YouTube के ऊपर बहुत सारे कंटेंट हैं, तो उनको आप लोग देख के ऐड कर सकते हो। सिक्योर CRT का यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को एक ही स्क्रीन के ऊपर सारे डिवाइसेस का CLI देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं PC4 के ऊपर जाना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा PC4 आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ, R1 के ऊपर जाना चाहता हूँ, R2 के ऊपर जाना चाहता हूँ, R3 के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो एक ही स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग स्क्रीन आप लोगों को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ थोड़ा इजी लगता है यूज़ करने में, कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे डिवाइसेज आप लोगों ने अपनी टोपोलॉजी के अंदर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो हर एक डिवाइस का CLI आप लोगों ने ओपन करना पड़ता है, अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर एक ही स्क्रीन के ऊपर आप लोग कर सकते हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सभी डिवाइसेज को सिक्वेंस पे कर दिया है, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 और R1, R2 और R3 ये हमारे राउटर्स हैं। तो सबसे पहले मैं IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, देन उसके बाद हम BGP की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और यदि आप लोग BGP के वीडियोस देख रहे हो तो पहले आप लोगों को आना चाहिए कि राउटर्स के ऊपर IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। यदि नहीं पता आप लोगों को तो पहले वो चीज़ सीख लो, है ना। डायरेक्ट देखने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बेसिक पार्ट है वो। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप करने जाओगे तो पहले आपको IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, मतलब कनेक्शन आप लोगों को बनाना आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कनेक्शन जो बनाऊंगा वो मैं BGP राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू बनाऊंगा विद इन डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरफेसेस सेलेक्ट करके IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, 0/0/1 IP एड्रेस मेरे पास है 0/0/1। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। GNS के ऊपर आप लोग IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने जाते हो PCs के ऊपर, तो आप लोगों ने कमांड के थ्रू यहाँ पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे IP डालने जा रहा हूँ PC2 के ऊपर, 30.3.255 उसका सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे इसके साथ आप लोग डाल सकते हो 30.1, एंटर कर दो तो यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मैं चला जाता हूँ PC3 के ऊपर, यहाँ पे एड्रेस मुझे डालना है 40, तो IP 40.0.2.255 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 40.1। मैंने यहाँ पे कंप्लीट IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिया हर एक डिवाइसेस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे BGP कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ जो मेन पार्ट हमारा है। तो मैं सबसे पहले R1 राउटर के ऊपर आ जाता हूँ और इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे राउटर और BGP और यहाँ पे मैं AS नंबर का यूज़ करूँगा 100 का। और यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क यहाँ पे दो नेटवर्क हैं, 10 का है। और अब डायरेक्ट यहाँ पे सबनेट मास्क आप लोग डालने जाओगे तो डायरेक्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड चलती है मास्क, देन उसके बाद 255.0.0, एंटर। और उसके बाद अगेन एक नेटवर्क और है 30 का। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मास्क फिर उसके बाद 255.0.0। अब यहाँ पे R1 राउटर के ऊपर दो नेटवर्क थे डायरेक्टली कनेक्टेड, 10 का और एक 30 का, तो दोनों मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए। अब मैं R2 के ऊपर आ जाता हूँ, R2 राउटर के ऊपर सेम कॉन्फ़िगरेशन, राउटर BGP, यहाँ पे तीन नेटवर्क हैं, तो मैं यहाँ पे AS नंबर 200 का यूज़ कर रहा हूँ। नेटवर्क यहाँ पे मैं रैंडम AS नंबर चूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैंने यहाँ पे 100, 200, 300 ही क्यों लिया, जो भी आप लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब एज ए रियल नेटवर्क के अंदर आप लोग काम करते हो तो AS नंबर आपको परचेज करना पड़ता है, जो भी आप नेटवर्क या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उनके पास एक AS नंबर अपना होगा, एक हो या दो हो, मल्टीपल कितने भी हो, लेकिन वो AS नंबर आपको बाय करना पड़ता है जब आप पब्लिक नेटवर्क के ऊपर काम करते हो, ठीक है। तो हर एक ISPs को अपना नेटवर्क लेना पड़ता है, मतलब अपना एक AS नंबर बाय करना पड़ता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं 10 और उसके बाद मास्क 255 और सेम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एक मेरे पास 40 का नेटवर्क है और यहाँ पे 20 का नेटवर्क है। अब मैं R3 राउटर के ऊपर आ जाता हूँ और R3 राउटर के ऊपर आके सेम कॉन्फ़िगरेशन, राउटर BGP, यहाँ पे AS नंबर 300 का है, इन नेटवर्क 20.0.0, मास्क 255.0.0, एंटर, नेटवर्क यहाँ पे 50, मास्क 255.0.0.0, ओके।
अब आप लोग इनके बीच में नेबरशिप चेक करोगे। नेबरशिप का मतलब कि कनेक्शन जब चेक करने जाओगे तो कनेक्शन नहीं बनेगा। यदि यहाँ पे आपने OSPF कॉन्फ़िगर किया होता या EIGRP कॉन्फ़िगर किया होता तो इनके बीच में कनेक्शन बन जाता। वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़ करते हैं। जैसे आप EIGRP OSPF रन करते हो तो मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं आपके नेटवर्क्स, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आपका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन BGP के अंदर किसी भी टाइप का मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ नहीं होता, तो आपको यह डायनेमिक नेबरशिप ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल नहीं करेगा, डायनेमिक नेबरशिप अप नहीं करेगा, तो आपको मैनुअली बताना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ R1 राउटर के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने एक कमांड और चलानी है, नेबर। तो R1 राउटर का नेबर कौन है? 10.2 10.2। और उसका रिमोट AS क्या है? तो यहाँ पे रिमोट AS कमांड चलेगी और उसका AS नंबर है 200। तो इसका कनेक्शन किसके साथ बन जाएगा? 200 के साथ बन जाएगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने R2 के ऊपर करना है। तो R2 के ऊपर नेबर कितने हैं? नेबर इसका नेबर है 10.1 और 20.2। तो 10 डॉट पहले मैं 10.1 दे देता हूँ और रिमोट AS उसका कितना है? R1 का AS नंबर कितना है? 100। जैसे मैं एंटर करूँगा तो इनके बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी। तो अभी एक और बच गया मेरे पास, 20.2। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10.1 के साथ हमारी नेबरशिप अप आ गई है, मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। मैं अभी आप लोगों को कनेक्शन बना के दिखाऊंगा। कोई एडवांस प्रैक्टिकल नहीं है ये, BGP का एक बहुत बेसिक प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट BGP के एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएंगे, एडवांस प्रैक्टिकल के ऊपर चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही हमें चलना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 20.2 और उसका रिमोट AS और 20.2 का जो AS नंबर है 300 है। तो अब आप लोगों ने लास्ट R3 के ऊपर जाना है और सेम कॉन्फ़िगरेशन। R3 का नेबर कौन है? 20.1 और उसका रिमोट AS क्या है? 200। एंटर कर देना है। अब कुछ सेकंड के अंदर हमारी नेबरशिप अप आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे हमारी नेबरशिप अप आएगी तो हमें यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, डिवाइस की ओर से एक इंस्ट्रक्शन हमें मिल जाएगी कि नेबरशिप अप आ चुका है। तो अभी हम रुक जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी नेबरशिप अप आ चुका है, ठीक है? नेबर 20.1, R3 राउटर का नेबर कौन है? 20.1। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेबरशिप अप आ गया है। अब मैं यहाँ पे नेबरशिप अप से मतलब मैं PC1 से यहाँ पे आपको पिंग करके दिखाता हूँ 50 के नेटवर्क के ऊपर, या कहीं पे भी आप लोग कनेक्शन चेक करने जाओगे तो आपको कनेक्शन बन जाएगा। पिंग करता हूँ मैं 50 डॉट, यहाँ पे कौन सा IP एड्रेस है? 50.3 के ऊपर पिंग करता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम पिंग कर रहा हूँ तो हमारे पैकेट्स ड्रॉप हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से देखो फर्स्ट पैकेट यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है। तो अब यहाँ पे हमारा 100% पिंग हो गया है। तो देख सकते हो आप लोग नेबरशिप अप आ गए, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन बन चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग BGP नेबरशिप अप ला सकते हो कॉन्फ़िगर करके। बहुत ईजी है, और लेकिन ये बहुत एडवांस कोई प्रैक्टिकल नहीं है, BGP का बहुत बेसिक पार्ट है। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को फॉलो करते रहना, तो हम कंप्लीट BGP के पार्ट को कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और जो भी आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर बता दिया करो। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो उसका भी फीडबैक एक बार आप लोग जरूर दे दिया करो, ठीक है? और जो भी आप लोगों की क्वेरी हो या कुछ भी रिगार्डिंग जो भी आप लोग बोलना चाहते हो तो आप लोग एक बार कमेंट मुझे कर दिया करो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।